हेलो मैं बच्चों, मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ पद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। पद, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों यानी प्रत्यय, सर्ग, वचन, लिंग, कारक आदि में बंध कर किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे पद कहते हैं। अब क्या क्या बताया जा रहा है डेफिनेशन में? शब्द स्वतंत्र नहीं होता, जब वो पद बन जाएगा तो वो शब्द स्वतंत्र नहीं होगा। दूसरा, कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में वो बंध जाएगा। तीसरा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाएगा। जैसे नीता गाती है भगवान रक्षा करे, तो यहाँ नीता भगवान आदि शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तित हो गए हैं। ये नियमों में बंध गए हैं। अब पद के कितने प्रकार होते हैं? पद के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये पांच भेद होते हैं। जैसे राम खा रहा है, इस वाक्य में बच्चों राम आम शब्द का पद परिचय है कि राम संज्ञा शब्द है, आम क्या है संज्ञा शब्द है, खा रहा है वो क्या बता रहा है क्रिया। तो जब हम इसमें ये बताएं कि ये संज्ञा है ये क्रिया है तो वो क्या हो जाएगा, बंध गया नियम में, तो वो क्या बनाया, अब यहाँ पे राम खा रहा है ये वाक्य पद है।